हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। सो ये फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें आप लोगों को सैलरी 61,818 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल इंट्यूशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल इंट्यूशन जो आप लोग देख पा रहे हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी की तरफ से निकल कर आ रही है, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोग के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल या तो टेम्पोररी जॉब नहीं है। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा या तो 4 साल का बीबीटेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग बीबीटेक किए हो तो उस केस में कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहीं पे नहीं है, बट अगर आप लोग डिप्लोमा किए हो तो उस केस में मिनिमम 3 ईयर्स के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स तक रखा गया है। इसमें आप लोगों को सैलरी लेवल 6 के हिसाब से यानी कि 35,400 से लेके 112,400 पर मंथ मिल जाएगी, और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोगों को टोटल सीटीसी 61,818 पर मंथ मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप लोग एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपीज एप्लीकेशन फी रखा गया है। सिमिलरली एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज एप्लीकेशन फी रखा गया है, और एप्लीकेशन फी आप लोग को ऑनलाइन सबमिट करना होगा। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, कम्प्लीटली फ्री है उन लोगों के लिए। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट में विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए लास्ट डेट रहा गया है 20 अप्रैल 2023। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो भी मार्क्स है उसके बेसिस पे आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा आप लोग का इंटरव्यू, और अगर आप लोग इस दोनों स्टेज में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। जब आप लोग इसमें रिटर्न टेस्ट देने के लिए जाओगे तो उस टाइम आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी साथ में लेके जाना होगा, जिसमें फर्स्ट आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट, उसके साथ आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का जो भी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स है उसका ओरिजिनल और 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। अगर आप लोग एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का ओरिजिनल और 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट का ओरिजिनल और 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल और 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। उसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो उस केस में आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका ओरिजिनल और 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। उसके अलावा अगर आप लोग एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स हो तो उस केस में आपका जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है उसका ओरिजिनल और 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। और अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या तो पीएसयू या तो किसी भी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हो तो उस केस में आपका जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है उसका ओरिजिनल और 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और उसके साथ आपका कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ का ओरिजिनल और 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ये सब डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप लोग को साथ में लेके रिटर्न टेस्ट देने के लिए जाना होगा। अगर रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू देने के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो उस केस में आप लोग को ईमेल के थ्रू पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोग का कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन है तो आप लोग इसी ईमेल आईडी पे कॉन्टेक्ट करके आप लोग का डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यही इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन। नेक्स्ट में आप लोग को दिखाया था इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, यही इसका ऑफिशियल वेबसाइट और यही इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स जो आप लोग देख पा रहे हो। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को व्यू लिंक ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने एप्लीकेशन फॉर्म का पोर्टल ओपन हो जाएगी।
इसमें फर्स्ट आप लोग को साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट आपको आपकी ईमेल आईडी यहीं पे फिल करना होगा। और उसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आप लोग को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड यहीं पे फिल करने के बाद साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी और आप लोग वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। पासवर्ड आप लोग को रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यही इसका कंप्लीट डिटेल्स, नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डिटेल्स। आई होप आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कमेंट में जरूर मेंशन करना, ताकि आने वाले वीडियो पे मैं आप लोगों के लिए जो अपडेट्स लेके आ सकूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जोड़ोनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।